जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे होंगे और बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखें, आप पर कृपा रखें, बस यही मेरी दुआ है और यही मैं ईश्वर से रोज़ मांगता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बड़ा आदमी कब बनेंगी या बनेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये प्रश्न मुझे पूछा जा रहा है कि हम बड़े आदमी कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन से क्षेत्र में बनेंगे, हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें। तो अगर आपने बचपन से या आपने किसी भी उम्र से या कभी भी ये चीज़, चाहे आपकी उम्र 40 हो, 45 हो, कभी की भी उम्र हो आपकी, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बड़े आदमी कब बनेंगे, तो आपको ये जवाब इस वीडियो में ज़रूर पक्का मिलेगा। और ये वीडियो बिल्कुल यूनिक है, कहीं भी आपको इस तरह की बात नहीं मिली होगी और कोई भी ये बात आपको अभी तक नहीं बताया होगा। तो उससे पहले एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं आप, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके कमेंट्स में आप भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें, कुछ लिखें या ना लिखें कमेंट्स में, लेकिन एक भोलेनाथ का नाम जरूर लिख के छोड़ें आप, क्योंकि हर जगह ईश्वर है, तो मैं चाहता हूँ कमेंट्स बॉक्स में भी ईश्वर हो। दूसरी बात है कि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें दोस्तों, जो भी हल होगा ज़रूर आपको मिलेगा। अब बात है कि बड़े आदमी की जो हमारे मन में कल्पना है बचपन से, माँ बाप परिजन जो भी हमारे मोहल्ले वाले हैं, कि बेटा बड़ा होके बड़ा आदमी बनना चाहिए, बेटा बड़ा होके या बेटी बड़ा होके बड़ा बनना चाहिए, तो जो भी संतान होती है उसके लिए ये ख्वाहिशें हर माँ बाप देखते हैं और देखना भी चाहिए। लेकिन हमारे पास जो दिमाग में एक बड़े आदमी की जो छवि बनी हुई है ना, वो छवि बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, उसको समझने की बहुत बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। बड़े आदमी का मतलब बड़ा, ज़्यादातर लोगों की, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, लेकिन 100 में से 80 लोग यही सोचते हैं बड़े आदमी का मतलब एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी या बड़ा ओहदा, बड़ा पद, बड़ा प्रतिष्ठा, और ये बड़ा आदमी की एक चीज़ें हमने मन में गढ़ी, क्योंकि हम मानव हैं और मानव हैं तो लालच है ही सही, सिंपल सी बात है, ये लालच की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन यही एक सामान्य कल्पना है कि बड़े आदमी के पीछे की 10-100-50 नौकर हो और लाव लश्कर हो और हमारा नाम हो, फेम हो, मतलब ये एक सामान्य सा एक मध्यम वर्गीय, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास, और हम लोग जो है ना, कि हमारी यही कल्पना होती कि यही बड़ा आदमी। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ये जो कल्पना है ये बड़े आदमी की, ये बिल्कुल कोरी मिथ्या है, और इस शब्द को मोह और माया कहेंगे। ये बड़ा आदमी की कल्पनाएं नहीं हैं, और ये बड़ा आदमी जो आप देख रहे हैं ये वास्तविकता में सच से बहुत दूर है। इस बात को बहुत गंभीरता से आप समझे, बड़ा आदमी अभी आप हर एक व्यक्ति जो इस जीवन को जी रहा है, जैसे आप बड़े आदमी जिसमें सरलता, सहजता, जो अपने पास रहने वाले लोगों को खुश रखता हो, जो लोगों पर धोखा देने के बाद भी दया करता हो, जिसका हृदय इतना बड़ा हो कि वो नुकसान होने के बावजूद भी लोगों की मदद करता है, जो हमेशा लोगों का अच्छा सोचता है, भला सोचता है, परिवार ने धोखा दिया लेकिन फिर भी जिन दोस्तों ने या जिन लोगों ने उसको धोखा दिया उनके बारे में भी वो अच्छा सोचता है, और नेकी कर दरिया में डाल, वो लोग रियल में बड़े होते हैं जिन्हें खुद की परवाह किए बिना केवल और केवल लोगों की मदद और परोपकार में यकीन होता है, उनकी जो हैसियत हो, वो चाहे जिस भी हालात में हो जीवन के, वो बड़े आदमी है दोस्तों। तो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। जय महाकाल, जय महाकाल।